नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी व्याकरण पाठ 3 है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे जोन, सौरभ, विपुल, रचना आदि। वस्तुओं के नाम में क्या होगा? किताब, पेन, कमीज, बस्ता। पशुओं के नाम में गाय, शेर, बकरी, चीता, हाथी। पक्षियों के नाम कौआ, चिड़िया, मोर, तोता। फलों के नाम केला, सेब, अंगूर, पपीता। भावों के नाम बचपन, खट्टा, गुस्सा, खुशी। उदाहरण भी देख लेते हैं। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, तो पुस्तक की वस्तु का नाम है, तो ये होगा संज्ञा। फिर है सोनिया गा रही है, तो एक नाम है, तो वो भी होगा संज्ञा। मोर, तो मोर एक पक्षी का नाम है, मोर एक सुंदर पक्षी है। श्याम की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। श्याम है वो लड़के का नाम है, तो वो श्याम वो संगना है। सब अहमदाबाद जा रहे हैं, तो इसमें अहमदाबाद है वो नाम है, शहर का नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा होगा। चमेली का फूल मुझे पसंद है, इसमें फूल का नाम क्या है? चमेली, तो वो भी संज्ञा होगा। काकरिया तालाब बहुत अच्छा है, काकरिया स्थल का नाम है। आज मैं बहुत खुश हूँ, वो बहुत यानी कि खुश, बहुत वो भाव है, तो बहुत वो संज्ञा होगा। मुझे सेब अच्छा लगता है, सेब है वो फल का नाम है, इसलिए संज्ञा वो होगा। नेहा बचपन से ही अच्छी लड़की है। धन्यवाद।